हेलो गाइस, और ये है एम्स का चौराहा, और यहाँ से हम लोग गांधी मैदान पास जाने का ट्राई करेंगे, और वो भी दीघा एम्स एलिवेटेड वाले रास्ते से, और वहाँ से फिर हम लोग मैरीन ड्राइव पकड़ लेंगे। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाया मैंने कि अभी मैं एम्स वाले चौराहे पे हूँ। और हम लोग देखना चाह रहे थे कि इतना अच्छा रोड बनने से क्या सही में हम लोग 20 मिनट में गांधी मैदान यानी PMCH से, अगर कोई एम्स आना चाह रहा हो एम्बुलेंस से, तो 20 मिनट के अंदर पहुंच सकता है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना जर्नी, और मैंने अभी इस वीडियो का स्पीड 2x रखा है क्योंकि 1x में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग चढ़ चुके हैं दीघा एम्स एलिवेटेड रोड पे, और अभी नीचे दानापुर स्टेशन आएगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और लोग रील्स बनाते हुए आपको इस पर कॉमनली दिख जाते हैं। और कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो जाता है लोग का रील्स बनाना, क्योंकि अचानक से ये लोग आपके पास आ जाते हैं, और कुछ लोग इसी रोड पे अपना गाड़ी साइड में लगा के आराम से चल कर रहे थे, जो कभी कभी एक्सीडेंट का एक रीज़न बन जाता है, क्योंकि इस रोड पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलग से इसमें ऐसा स्पेस नहीं है, 2 लेन है जाने के लिए सिर्फ, तो उसमें आप 1 लेन जाम कर दे रहे हो रोक के गाड़ी को। और रील्स बनाने वाले को तो क्या ही कुछ कहा जा सकता है। और आज ट्यूसडे था तब भी इस पे भीड़ था, ऐसा नहीं है कि आज संडे है उसके चलते यहाँ पे भीड़ हो। और यहाँ पर बहुत लोग आपको बीच में रुके हुए दिख जाएंगे, फ़ोटोशूट कराते हुए दिख जाएंगे। मैरीन ड्राइव से पुराना ये जगह है, जो काफ़ी ज़्यादा रील्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम होता है, और बहुत तेज हम्स टाइप से लगते हैं इस रोड में। और यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो बीच बीच में जॉइंट्स हैं, वहाँ पे गाड़ी ऐसे पूरी हिल जाती है। पता नहीं किस टाइप से इंजीनियरों ने यहाँ बनाया, क्योंकि मैं तो अच्छा खासा लॉन्ग टूर पे जाते रहता हूँ, एक्सप्रेस वे पे 100 का लिमिट रहता है, फिर भी कहीं ऐसा गाड़ी उछलता नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रील बना रहे, और ये सामने जो गाड़ी वाला था ये अभी एक्सीडेंट होते होते बचा था। ये लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इसी कारण से मैंने डैश कैम भी लगा के रखा हूँ, क्योंकि दूसरों की गलती हो ना हो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एंड हर वीडियो में मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी एक डैश कैम खरीद सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर कुछ अनहैपनिंग होता है तो आपके पास एक एविडेंस की तरह वो रहेगा, जो आप कहीं भी प्रोड्यूस करके आप बता सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ था। नहीं तो आप कुछ भी बोलो, वैसा कुछ वैलिड पॉइंट नहीं रहता है उस एक्सीडेंट का। और इंश्योरेंस क्लेम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा अगर आपके पास फुटेज है तो प्रॉपर। और अब हम लोग 14 किलोमीटर का रास्ता करीब करीब 8 मिनट में कवर कर लिए थे। अब यहाँ से हम लोग गंगा जी के किनारे किनारे मरीन ड्राइव पकड़ के सीधे गांधी मैदान पास निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ ये कहना सही होगा कि अगर एम्स से PMCH जाता है कोई तो वो 20 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा। बस जो एलिवेटेड रास्ते पे जर्किंग है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर सकता है पेशेंट का कंडीशन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्क फील होता है वहाँ पे। और अभी भी और भी एलिवेटेड रास्ते बन रहे हैं, पता नहीं उन पे क्या हो रहा है, क्योंकि इस पे तो बाकी हर जगह मैं चला चुका हूँ, लेकिन यहाँ जैसे जर्क फील होता है हर पार्टीशन के बाद। अगर बाकी एलिवेटेड, क्योंकि एक मीठापुर मीठापुर से पुनपुन जाने के लिए एक एलिवेटेड रास्ता बन रहा है, तो उस पर भी ये लोग ऐसा ही शायद बनाएंगे, पता नहीं। और ये देख सकते हो
मरीन ड्राइव जस्ट स्टार्ट होने वाला है, और ये जेपी सेतु के नीचे से जाने में काफ़ी अच्छा फील होता है। और अभी हम लोग को 10 मिनट हो गया, अब यहाँ से सीधे हम लोग गांधी मैदान निकल जाएंगे, क्योंकि गांधी मैदान निकलना और पीएमसीएच जाना दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि बाहर निकल जाओगे उससे अच्छा है कि आगे आप बढ़ जाओ। लेकिन अभी वहाँ से एग्जिट नहीं है, अशोक राजपथ तो आप लोगों को पता है कि वहाँ रोड ही नहीं बचा है। अब मेट्रो का काम जब से लगा है काफ़ी ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं उस रोड पर। और जैसा कि आपको पता है पटना में आपको कहीं भी महानुभव मिल सकते हैं। जैसा कि आप लोग ये देखो, मेन रोड पे बीचों बीच ये आदमी गाड़ी बैक कर रहा है, पता नहीं क्या फूक के आते हैं ये लोग यार। तो आप लोग भी एकदम चौकन्ने होके पटना में गाड़ी चलाओ, और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको पटना के रास्तों पर। और अभी 15 मिनट के आसपास हो गया है और हम लोग अब गांधी मैदान पहुंचने ही वाले हैं। और यहां पे अब कुछ दिन बाद हम लोगों को पैसे देके आने जाने पड़ेंगे। यहाँ का क्या हिसाब किताब रहता है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो दीदारगंज साइड वाला टोल पे ऐसा रूल है कि अगर आप 20 किलोमीटर के रेडियस पर रहते हो वहाँ से टोल से, तो आप लोग मंथली पास के लिए एलिजिबल हो। तो मैं यूज़ करता हूँ वो वाला चीज़, लाइक 315 रुपीज़ में मैं एक महीने तक उस वाले का पास बनवाता हूँ अगर उस साइड मेरा कुछ काम रहता है जाने आने का तो। और यहाँ से अब हम लोग मरीन ड्राइव से उतर जाएंगे, और पीएमसीएच जाने के लिए यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा और आगे जाना होगा, और वहाँ से फिर आगे से आप लोग सीधे निकल जाओगे पीएमसीएच। तो जैसे आप, मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट के अंदर आप आराम से पीएमसीएच से एम्स जा सकते हो या आ सकते हो, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये रोड्स नहीं होते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। आप लोग को पता है कितना टाइम लगता था पहले पीएमसीएच से जाने में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं गांधी मैदान साइड निकल गया हूँ, और पूरे पूरी 16 मिनट लगे हम लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।